सिंगरौली में भाजपा ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की इमरती देवी पर अभद्र टिप्पणी को लेकर कलेक्ट्रेट में धरना दिया। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस ने हमेशा महिलाओं का अपमान किया है, फिर चाहे वो दिग्विजय सिंह हो, अजय सिंह हो या फिर कमलनाथ, महिलाओं का अपमान बंद होना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा एक चुनावी सभा में मध्य प्रदेश सरकार की महिला बाल विकास मंत्री इमरती देवी को आइटम बोले जाने पर सिंगरौली में भी धरना दिया गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का पुतला दहन किया। भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल ने कहा कि कांग्रेस की ऐसी पुरानी परंपरा रही है, कांग्रेस नेता अक्सर महिलाओं के बारे में अभद्र टिप्पणी करते हैं। लोकसभा चुनाव के पहले भी एक चुनावी सभा में कांग्रेस पार्टी के नेता अजय सिंह राहुल ने सांसद रीति पाठक के बारे में अभद्र टिप्पणी की थी, इसीलिए प्रदेश की जनता इनको ऐसा सबक सिखा रही है। आज 10 बजे से 12 बजे तक मौन धरना और इसके बाद हम सबों ने अभी कमलनाथ का पुतला दहन यहाँ किया है। कल की सभा में इस प्रदेश का पूर्व मुखिया जिस तरह से मध्य प्रदेश शासन की माननीय मंत्री इमरती देवी के ऊपर आइटम जैसे शब्दों का उपयोग करके जिस अभद्र भाषा का परिचय उन्होंने दिया है, हम भारतीय जनता पार्टी के लोग इस नवरात्रि के समय में यह पूरा प्रदेश के साथ साथ पूरा देश की जनता माँ दुर्गा शक्ति के रूप में उस नारी को देखती है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।